में दीक्षांत समारोह जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आपको सुनवाते हैं उनका संबोधन। हमारी गवर्नेंस का, गरीब से गरीब तक पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम हो सकती है, ये बीते वर्षों में देश ने कर दिखाया। आज चाहे घर हो, बिजली हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो या अब पानी हो, ऐसी हर सुविधाएं डाटा और स्पेस टेक्नोलॉजी के सहयोग से पहुंचाई जा रही है। आज बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट तक की सुविधा डिजिटली उपलब्ध कराई जा रही है। जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी जैम, डिजी लॉकर्स जैसी सुविधाएं और अब डिजिटल हेल्थ आईडी के लिए प्रयास सामान्य नागरिक का जीवन आसान बनाने के लिए देश एक के बाद एक बहुत तेजी से अनेक कदम बढ़ा रहा है। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को एफिशिएंट बनाया है और करप्शन का स्कोप कम किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भी भारत दुनिया के कई देशों से बहुत आगे हैं। भारत के बनाए यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को अब दुनिया के बड़े बड़े विकसित भी अपनाना चाहते हैं। साथियों, हाल में सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसमें टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभा रही है। ये योजना है स्वामित्व योजना। ये स्वामित्व योजना, इसके तहत पहली बार भारत के गांवों में जमीन और प्रॉपर्टी, घर की प्रॉपर्टी, इसकी मैपिंग की जा रही है। पहले ये काम अगर होता तो इसमें भी ह्यूमन इंटरफेस एकमात्र माध्यम था, इसलिए गड़बड़ियां की, पक्षपात की शंकाएं आशंकाएं भी उसके साथ स्वाभाविक थी। आपको खुशी होगी क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग हैं, आज ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए गांव गांव में ये मैपिंग हो रही है और गांव के लोग भी इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनको भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक भी टेक्नोलॉजी पर कितनी आस्था रख रहा है। साथियों, टेक्नोलॉजी की जरूरत और उसके प्रति भारतीयों में आस्था, यही आपके फ्यूचर को रोशनी दिखाती है। पूरे देश में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं जिसके समाधान आप ही दे सकते हैं। बाढ़ और साइक्लोन के समय पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे बनाए रखे इसके लिए प्रभावी टेक्नोलॉजी हो, सोलर पावर जनरेशन और बैटरी से जुड़ी टेक्नोलॉजी हो, टेलीमेडिसिन हो और रिमोट सर्जरी की टेक्नोलॉजी हो, बिग डाटा एनालिसिस हो, ऐसे क्षेत्रों में बहुत काम किया जा सकता है। साथियों, मैं एक के बाद एक देश की ऐसी अनेक जरूरतें आपके सामने रख सकता हूं।
ये जरूरतें नए इनोवेशन से पूरी होगी, आपके ही नए आइडियाज, आपके ही ऊर्जा, आपके ही प्रयासों से ही ये पूरी हो सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है कि आज आप देश की जरूरतों को पहचाने, जमीन पर जो बदलाव हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी सामान्य मानव की जो आकांक्षाएं हैं उनसे जुड़ने का काम करें, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। और इसमें आप लोगों का जो एल्यूमनाई नेटवर्क है वो भी बहुत काम आने वाला है। साथियों, वैसे भी आप सभी के लिए एल्यूमनाई मीट्स ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान होता है। दूसरे कॉलेजों के स्टूडेंट्स को अपनी एल्यूमनाई मीट के लिए अक्सर लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कॉलेज तक जाना पड़ता है, लेकिन आपके पास एक और बड़ा सरल ऑप्शन होता है। आप अपनी एल्यूमनाई मीट कभी भी वीकेंड पर, शॉर्ट नोटिस पर बे एरिया में भी कर सकते हैं, सिलिकॉन वैली में कर सकते हैं, वॉल स्ट्रीट में कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट में भी आपकी एल्यूमनाई मीट हो सकती है, क्योंकि आप हर जगह पे मौजूद है, बहुत बड़ी मात्रा में आपकी मौजूदगी है। भारत के स्टार्टअप कैपिटल्स, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो या बेंगलुरु, आपको इन जगहों पर आईआईटी से पढ़े निकले लोगों का स्ट्रांग नेटवर्क मिल जाएगा। ये है आपकी सक्सेस, ये है आपका इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स, यू आर ऑल स्टूडेंट्स विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज। आफ्टर ऑल, यू पास वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, द जेईई, एट द एज ऑफ 17-18, एंड then you came to IIT, but there are two things that will enhance your ability even more. One is flexibility, other is humility. By flexibility I refer to the possibility to stand out and fit in. At no point of your life must you shed your identity. Never be a light version of someone or something. Be the original version. Champion whatever values you believe in. At the same time, never hesitate from fitting into a team. Individual efforts have their limits. The way ahead lies in teamwork. Teamwork brings completeness. The second is humility. You must be rightfully proud of your success, your achievements. Very few people have done what you have. This should make you even more down to earth. Friends, it is important that one keeps challenging oneself and continues to learn each day. It is also important that you treat yourself as a student for life. Never think that what you know is enough. हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ज्ञान और सत्य ब्रह्म की तरह ही अनंत होते हैं, इन्फिनिट होते हैं।
जितने नए नए इनोवेशन आप लोग करते हैं, ये सब सत्य का ज्ञान का ही तो विस्तार है। इसलिए आपके इनोवेशन में देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव गरीब के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। आपका ज्ञान, आपकी एक्सपर्टाइज, आपका सामर्थ्य देश के काम आए, इसी विश्वास के साथ फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी माता पिताओं की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल आपके जीवन की नई यात्रा प्रारंभ हो। आपके गुरुजनों ने जो आपको शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, वो आपको जीवन में सफल होने के लिए डगर डगर पर काम आए। और जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत गर्व के साथ अपनी डेमोग्राफी के लिए गर्व करता है, और हमारी डेमोग्राफी जब IITian से भरी हुई हो तब वो दुनिया में भी वैल्यू एडिशन करती है। ये सामर्थ्य के साथ आज एक नई जीवन यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को, आपके गुरुजनों को बहुत ही धन्यवाद के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो IIT दिल्ली दीक्षांत समारोह है आज, जिसमें वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और टेक्नोलॉजी के महत्व और जरूरत का महत्व बताया, साथ ही आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया, क्योंकि IIT दिल्ली का ये दीक्षांत समारोह है और यहां से ही निकलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने भारत की दिशा और दशा को बदला है। इसी के साथ